हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैश टैग क्रिएटिव आरती पोरवाल में दोस्तों मैं हूं आरती और आज मैं नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूं जी हां दोस्तों एमसीसी ने अभी अभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अर्जेंट नोटिफिकेशन निकाला है जी हां दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी अभी दस फरवरी को बिल्कुल लेटेस्ट अर्जेंट न्यूज़ आई है सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ये है है मेरे चैनल पर तो तो उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट आपको आपको सबसे पहले मिल सके और और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करिएगा कैंडिडेट नीट यूजी ट्वेंटी ट्वेंटी इन डब्ल्यू पीसी मैटर ऑफ हर्षित अग्रवाल एंड यूनि union of india the honorable supreme court of india was pleased to direct as follows वी डायरेक्ट डेट द वैकेंसीज इन फर्स्ट ईयर बी डी एस कोर्स फॉर द ईयर ट्वेंटी 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 शेल बी फिल्ड अप फ्राम द कैंडिडेट्स हू हैव पार्टिसिपेटेड इन द नीट यूजी कोर्सेज फॉर द ईयर ट्वेंटी 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 वन आफ्टर लोवरिंग द परसेंटाइल मार्क बाई टेन परसेंटाइल द एडमिशन सेल बी मेड स्ट्रिक्टी इन अकॉर्डेंस विद मेरिट एंड द एडमिशन प्रोसेस सेल बी कम्प्लीटेड बाई एटीन फेबररी जी हाँ दोस्तों बी डी एस में जो दस परसेंटाइल का कट ऑफ रिड्यूस किया गया है उसके बाद जितनी भी वैकेंट सीट्स फिल की जाएंगी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे ये सारा कुछ प्रोसीजर 18 फरवरी तक कंप्लीट हो जाना है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है और उसके अलावा ये जो भी एडमिशन होंगे मेरिट के हिसाब से होंगे किसी भी तरह से पैसे के थ्रू या डोनेशन के थ्रू नहीं होंगे बेस्ड ऑन द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया द मार्क्स रेंजेस एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन ईच कैटेगरी General EWS, SC, ST, OBC, and PWD of general. ई डब्ल्यू एस एस सी एस टी ओ बी सी एज़ प्रोवाइडेड बाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज एज फॉलोज तो दोस्तों एन टी ए के थ्रू से एन टी ए की तरफ से ये पूरा निकाला गया कट ऑफ प्रोसीजर जो है आप इसको एक बार अच्छे से टेबल को देख लीजिए और समझ लीजिए जो जनरल ई डब्ल्यू एस कैटागरी है उसमें फिफ्टी या परसेंटाइल यानी सेवन ट्वेंटी में नंबर ऑफी कैंडिडेट्स दिया हुआ है इसके बाद जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है फिर मार्क्स रेंज दी हुई है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिए हुए हैं रिवाइज क्वालिफाइड क्राइटेरिया फॉर नीट यूज ट्वेंटी ट्वेंटी डाटा के अनुसार दिया हुआ है इसी तरह OBC का SC का ST का फिर unreserved में एस सी फिर फिजिकलीप्ड का फिर एस टी फिजिकली फिजिकलीप्प का तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेटी ट्वेंटी में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था पहले था सतर आप देख सकते हैं सात सात लाख इकहत्तर हज़ार पाँच सौ ग्यारह और अब ये हो गया है बढ़कर चूंकि आपको जैसा कि मालूम है परसेंटाइल घटा दिया गया है तो अब जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो बढ़ गया है रिवाइज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो हो गया है वो हो गया है नौ लाख 9776 तो दोस्तों लगभग लग टू लाख दो लाख कैंडिडेट बढ़ गए हैं अब तो दो लाख कैंडिडेट जो एलिजिबल हो गए हैं ज़्यादा अब इनको कैसे सीट मिलेगी बी की उसके लिए ऑनलाइन सारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो पहले थे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर नीट नीट सेवन लाख सेवेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एलेवन और अब हो गए हैं नाइन लाख नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स तो तो इसके अकॉर्डिंग uh, जो भी अब सीटें भरी जाएंगी वो मेरिट के हिसाब से भरी जाएंगी इन व्यू ऑफ द एबव एनदर स्टे वैकेंसी राउंड इन शेड्यूल टू बी कंडक्टेड फ्रॉम बारह फरवरी टू एटीन फेबररी तो अब इन बी डी एस सीट्स के लिए एक अलग से स्टे वैकेंसी राउंड होगा जो कि बारह फरवरी से अट्ठारह फरवरी तक होगा फॉर विच सच कैंडिडेट्स विल हैव टू रजिस्टर ऑन द एम सी सी पोर्टल टू पार्टिसिपेट इन द सेड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर बी डी एस आफ्टर फीस एंड द ऑलरेडी रजिस्टर्ड नॉट प्रोविजनल शेड्यूल इज अटैस्ड फॉर रेडी रिफरेंस तो दोस्तों कोटा के तहत जो बी डी एस की सीटें इतनी वैकेंट हुई हैं और जो इतने ज्यादा क्वालिफाइंग कैंडिडेट अब हो गए हैं तो इन सब को बारह फरवरी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और अठारह करा लेना चाहिए जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया उनको जरूरत नहीं है कराने की द लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्डेड टू द कॉलेजेस हु हैव देन कंडक्ट द काउंसलिंग एट देयर ओन एंड स्टेट को फॉरवर्ड कर दी जाएगी कैंडिडेट लिस्ट तो वो स्टेट uh, जो भी होगा वो कॉलेज वाइज अपनी काउंसलिंग करा लेगा एम सी सी हैज नो रोल इन द process. अलॉटमेंट प्रोसेस एनी जो भी डिस्प्लेसी होगी डेट अराइजेस ड्यूरिंग द सेड राउंड ऑफ काउंसलिंग विल भी जो है सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉलेज अथॉरिटी फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ऑबिडियंस ऑफ द टाइम शेड्यूल एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू ऑफ द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग काउंसलिंग ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कॉलेजेस आर डायरेक्टेड टू ट्रीट ऑल सैटरडे एंड संडे एज वर्किंग डे चूंकि एक हफ्ते का टाइम तो बढ़ाया गया लेकिन अट्ठारह फरवरी तक ज़्यादा समय नहीं है इसलिए हर सैटरडे संडे भी वर्किंग डे की तरह गिना जाएगा और हर कॉलेजेस में इसके लिए काउंसलिंग के लिए जो है प्रोसीजर एडमिशन का होगा द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप इन टच विद द एम वेबसाइट तो एम की वेबसाइट्स पे आप टच में रहिए वैसे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा मैं आपको बताती रहूंगी और ये पूरी एम की जो वेबसाइट पर नोटिस आई है बी के लिए एडमिशन के लिए तो बी डी के एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो एम की वेबसाइट पर होंगे और ये स्टार्ट हो जाएंगे 12 तारीख से तो जो भी बच्चे अपना एडमिशन बी में ऑल इंडिया कोटा के तहत कराना चाहते फटाफट से जिन्होंने पहले नहीं कराया रजिस्ट्रेशन वो अपनी रजिस्ट्रेशन फीस लगा करा लें और इसके बाद जो कैंडिडेट लिस्ट होगी वो स्टेट में हर स्टेट को जो कॉलेज वाइज जो है रिलीज कर दी जाएगी फिर वहाँ पर जाकर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी जो अभी भी एम सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है और इसके साथ एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी लगा हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा ऑर्डर है ग्यारह पेज का लगभग इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा जजमेंट ऑर्डर है पिटिशन आया है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल की तरफ से इसमें नागेश्वर राव जी ने जो भी लिखा है पूरा उसमें दिया हुआ है कि कितने परसेंटाइल आपका कम किया गया है और क्या कैसे एडमिशन प्रोसीजर अब आगे होगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे जो है अपना लाभ उठा सकें Thank you.